हर की पैड़ी हरिद्वार पर स्नान तो दूर, आचमन के लायक भी नहीं बचा जल, अब पत्थरों में धन की तलाश कर रहे हैं श्रमिक। आपको पूरी खबर बताते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। गंगा नहर की सफाई के लिए प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी 12 अक्टूबर की मध्यरात्रि में गंगा नहर को बंद कर दिया गया है। गंगा नहर में कल रात जैसे ही पानी कम हुआ, पैसा चुगने वाले न्यारिया व श्रमिक धाराओं के बीच में घुस गए। हल्की धारा में वो धन और वैभव की तलाश कर रहे हैं। भाग्य भी साथ दिया तो कोई लखपति बन जाता है, लेकिन गंगा हर किसी को कुछ ना कुछ जरूर देती है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का दावा है कि इस बार गंगा नहर बंदी पर श्रद्धालुओं के लिए हर की पौड़ी पर गंगा जल की किल्लत नहीं रहेगी, लेकिन गंगा नहर बंद होते ही हर की पौड़ी पर सुबह स्नान तो दूर, आचमन तक का जल नहीं बचा। दरअसल इस साल दशहरा पर्व पर उत्तरी खंड गंगा नहर को कार्यों के लिए बंद कर दिया जाता है, जो लगभग 20 दिन के लिए बंद रहती है, जिसके चलते गंगा नहर बंदी के दौरान हर की पैड़ी पर गंगा में बहुत कम जल होता है। श्रद्धालुओं को गंगा स्नान तो दूर, आचमन के लिए भी गंगा नसीब नहीं होता है। हर की पैड़ी पर आने वाले श्रद्धालु मायूस होकर वैरंग लौटना पड़ता है। वहीं सिंचाई विभाग का कहना है कि कल से हर की पैड़ी पर जल आ जाएगा। सर्वानंद घाट से आने वाली अविरल गंगा के भागीरथी बिंदु और कांगड़ा पुल पर बंद बनाए गए जाएंगे। बंद बनाकर अविरल गंगा की धारा से आने वाले सारे पानी को हर की पैड़ी की तरफ मोड़कर गंगा जल हर की पैड़ी पर लाया जाएगा, जिससे श्रद्धालु को गंगा स्नान के लिए गंगा जल मिलता रहेगा। अगर ऐसा होता रहा तो पहली बार उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग श्रद्धालु को गंगा नहर बंदी पर गंगा स्नान कराने में सफल हो सकेगा। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। कोई शिकायत या सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दें।